कुछ नहीं करना। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत है। चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? एडवांस मैथ पढ़ रहे थे। हाँ, एडवांस मैथ में कौन सा पोर्शन पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें सीट वन आप बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनल कर चुके हैं। हाँ, सीट वन में आपके किस टाइप के क्वेश्चन थे? सीट वन में आपके रेशियो के क्वेश्चन थे ना, और बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन थे। रिलेवेंट टाइप के क्वेश्चन थे, सीजीएल प्री और मेन, सीपीओ, और जिनमें टैग नहीं लगा था वो भी किसी न किसी अच्छे एग्जाम के आए हुए प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन थे। करेक्ट। तो चलिए, आज ये आपकी सीट नंबर सेकेंड स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें आपको वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये सारी क्लासेस जो आपको पहले रिकॉर्डेड फॉर्म में कहाँ पे मिलेंगी? अपने एडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पिछली जितनी भी क्लासेस हैं सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। और ये आपका रहा ऑनलाइन का मैटर, जो कि आपको सारा कुछ कवर कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और जो बच्चे ऑफलाइन के लिए हायर हैं, तो अपनी कोचिंग चलती है कल्याणपुर में, क्रॉसिंग के पास, एडी स्मार्ट नाम से। तो जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड करने में इंटरेस्टेड हो वो आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अपना बैच इंडिविजुअल भी चलता है, हाँ, और सभी बैच को इंक्लूड भी चलता है। तो आपकी इच्छा, आप अगर मैथ रीजनिंग जैसा भी, हर एक बैच हमारे यहाँ स्पेशल बैच चलता है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग पढ़ाई जा रही है तो रीजनिंग आपके, जैसे कि ये नहीं कि रीजनिंग आपको फिर यूपी पुलिस का टारगेट करके, दिल्ली पुलिस को टारगेट करके पढ़ाएगी, ऐसा नहीं, स्पेशल चलता है। तो ऑल ओवर इंडिया में जिस किसी भी एग्जाम में आपकी रीजनिंग आती हो या मैथ आती हो, सारा कुछ आपको क्वालिफाई कराएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बैच पढ़ा तो केवल वो रीजनिंग का, जैसे मान लो तो आपको केवल जीडी का ही पेपर क्लियर कराएगी, ऐसा नहीं। मेरे यहाँ जो भी बैच चलते हैं आपको स्पेशल बैच पढ़ाया जाएगा, मैथ हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, इवन कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। कम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस आपको जो पढ़ाया जाएगा, स्पेशल बैच आपको टाइप करके पढ़ाया जाएगा। इंडिविजुअल भी चलता है और सभी का इंक्लूडेड बैच भी चलता है। तो जो बच्चे ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड हो वो अपना कल्याणपुर क्रॉसिंग के पास आके, एडी स्मार्ट कोचिंग नाम से अपनी कुछ संस्थान है, वहां पे आके आप ऑनलाइन तो आपको फ्री मिलेगा ही मिलेगा, ऑफलाइन भी आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट लिया जाता है, एक बार आके ऑफलाइन का भी आप लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलिए, आज ये ट्रिग्नोमेट्री की सीट नंबर सेकंड है, और सीट नंबर सेकंड भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे कि आपने देखा होगा सीट वन में लेवल कम से, मतलब कि ऐसा था ना, बेसिक से स्टार्ट किया था और आपको कहाँ एंड में कहाँ आके छोड़ा, आपने भी देखा होगा कैसे कैसे लेवल आपके क्वेश्चन का बढ़ गया और आपको पता ही नहीं चला ना। चलिए, तो आपको बेसिक भी कंप्लीट कराना है, स्मार्ट अप्रोच भी बताने हैं, और छोटे छोटे कंसेप्ट भी आपको क्लियर करवाने हैं, ठीक है। चलिए, अब ये आपकी सीट नंबर सेकंड है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री अभी वो खत्म नहीं हुई थी, मैंने क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म नहीं हुई थी, वो तो जस्ट था ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट था पार्ट, हाँ, छोटा सा पार्ट था जिसमें आपने रेशियोज के क्वेश्चन किए। अब ये सीट नंबर सेकंड है जिसमें आपको कुछ वैल्यूज से क्वेश्चन आएंगे, हाँ, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद जब आपको थर्ड सीट करवाएंगे उसमें आपको आइडेंटिटीज से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ उसमें रेशियो और वैल्यू और आइडेंटिटीज तीनों मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसके बाद कुछ आपको स्पेशल क्वेश्चन करवाएंगे जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, वो आपके दिमाग की बत्ती खोलने के लिए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कि अब आपने पढ़ तो लिया सारा, हाँ, चैप्टर तो सारा कंप्लीट कर दिया, अब इसके बाद जो सबसे टफ क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी और किस लेवल में सोच पाते हैं, ठीक है। चलिए, वो भी आपको सारा कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, ठीक है। तो ऑफलाइन वाले बच्चे अगर बैच लेने में इंटरेस्टेड हो तो कल्याणपुर क्रॉसिंग के पास, एडी स्मार्ट नाम से कोचिंग है अपनी संस्थान, आके अपना ऑफलाइन बैच का भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की ट्रिग्नोमेट्री सीट नंबर टू को। जैसा कि लिखा है आपका, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस, हाँ, चलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस, चलो, हाँ, ये सिनेरियो देख के कुछ याद आया क्लास 10th का, हाँ, जैसे आपको टीचर बोल देता था ना, चलिए ये टेबल याद करके आना, पर हम आपको ये टेबल याद करने को नहीं बोलेंगे,
अभी आपको ऐसे कंसेप्ट आपको बताएंगे भाई इसको याद करने के लिए कि आजीवन आप भूलना चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, चलिए जैसे कि आपको टेबल पे दिख रहा है ना, इसमें क्या ये आपके एंगल होते हैं, रेशियोस अपने कितने होते हैं, 6 रेशियोस होते हैं। साइन थीटा बहुत ही फेमिलियर हो चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा एंड कॉट थीटा, करेक्ट। इसके बाद अब आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि साइन 90 की वैल्यू बताइए, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू बताइए, ठीक है, तो अच्छे से बच्चे कर लेंगे। फिर इसके बाद अगर मैंने ये भी पूछ लिया कि साइन 25 की वैल्यू बताओ, तो आप बताने में थोड़ा असमर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सारी वैल्यू निकालना बताएंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। ये टेबल अभी आपको केवल देखनी है, अब हम बताते हैं इस टेबल को आप केवल और केवल साइन की वैल्यू से सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए बनाते हैं टेबल और ऐसा बताएंगे भाई टेबल आजीवन आप भूल नहीं पाएंगे, भूलना चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, टेबल बनाते हैं। चलिए अच्छा, कलर सा दिखेगा। चलिए रेशियोस कितने होते हैं आपके, 6 रेशियोस होते हैं ना, कौन कौन से एक बार लिख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। सर कोई रह तो नहीं रहा है? नहीं, आज आपके सर भी पढ़ रहे हैं, छोटे से सर हैं, कभी आपको मिलाएंगे इनसे, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक इनको भी आती है, किसी दिन इनसे मिलाएंगे आपको, है बहुत छोटे से सर ये। चलिए हाँ, रेशियोस कितने होते हैं, 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। अब हम पढ़ के आ रहे हैं, हाँ आपका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या लिखा था, कुछ रेशियोस पे, हाँ वैल्यू होंगी जो कि रेशियोस के मान एंगल के आधार पे, अब आपको डिग्री के आधार पे अब एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा आंसर। चलिए आपको इतना प्रिपेयर करा देंगे, डिग्री पूछे ठीक है, या रेडियन में पूछे, या एंगल के माध्यम से पूछना चाहे, आप सारे आंसर बिल्कुल चुटकियों में दे पा सकेंगे। चलिए रेशियो से लिख लिए, इसके बाद इनमें कुछ एंगल थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी ना, ये आपके क्या है, एंगल, करेक्ट, ये आपके हैं एंगल। इसमें आपको 0 डिग्री का वैल्यू पता होनी चाहिए, किसकी, 0 डिग्री की, करेक्ट, 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, हाँ 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी इसकी इन कुछ इंपॉर्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो आपको हम बताया ना कि याद नहीं करवाएंगे, अब आपको ऐसा सिखाएंगे कि याद करना नहीं पड़ेगा। चलिए सबसे पहले मेजर करते हैं साइन थीटा को, हाँ साइन थीटा को। चलिए चलिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बताएंगे आपको, आप भूल नहीं पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा की, अगर बात की जाए साइन 0 की डिग्री, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 30 की वैल्यू क्या होगी, 45 की वैल्यू क्या होगी, हाँ 60 की वैल्यू क्या होगी, 90 की वैल्यू क्या होगी। थोड़ी देर के लिए अपना टाइम दे दीजिए। ठीक है, चलिए साइन सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0, करेक्ट। अभी निकालने की प्रक्रिया आपको बता रहे हैं, हाँ 0 से स्टार्ट करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। चलिए ये बेटर है, हाँ 0, 1, 2, 3, 4,
और फोर। सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड आप वैसे फोर से एंड हुआ, अब इसी में ही अब सभी के नीचे से आपको क्या करना है, फोर से डिवाइड करा देना है। चलिए फोर से डिवाइड करिए। इसके बाद थर्ड स्टेप आपको करनी है, सभी का क्या लेना है, रूट। सभी का आप लीजिए रूट, सभी का ले लीजिए रूट। इसके बाद अब आप इनकी वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपकी। चलिए आजीवन समझ लेना ये बात कि जीरो में किसी भी नंबर का आप डिवाइड कराएंगे, जीरो में किसी भी नंबर का जब आप डिवाइड कराएंगे तो वो जो आपका रिजल्टेंट आंसर जो आएगा हमेशा जीरो ही होगा, ये बात हमेशा आप याद रखना। और एक बात आपको बता दे, किसी नंबर में अगर आप जीरो का डिवाइड कराएंगे, किसी नंबर में अगर आप जीरो का डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू आपकी हमेशा नॉट डिफाइंड आएगी। हाँ, नॉट डिफाइंड, ये छोटी सी बात आपको याद करके चलनी है आज से ही, करेक्ट। चलिए अब देखिए मैंने क्या बताया, जीरो में किसी नंबर का आप डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, करेक्ट। इसके बाद यहाँ पे आइए आप, हाँ इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आया, जीरो, ठीक है। या तो फिर ऐसे लिख लेते हैं, आप इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आया आपका जीरो, समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसको आप फाइंड करिए तो क्या हो जाएगा, 1 का रूट आपका 1 ही होगा, अपॉन 4 का रूट आपका हो जाएगा 2, करेक्ट। इधर आइए इस पे, यहाँ पे देखिए आपका कट हो रहा है कितनी बार में, 1/2 में, 1 का रूट आपका 1 होता है और √2 आ जाएगा आपका नीचे √2। ये बात समझ में आई, और आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए √3, √3 और √4, √4 का, हाँ ये देखिए दोनों में रूट आ जाएगा, इसमें भी रूट आ जाएगा, इसमें भी रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2, समझ पाए बात, बहुत अच्छे। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए आपका कट हो जाएगा। कई बच्चे होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, जैसे कि मान लो सेम नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं आप, तो कई बच्चे तो इसका आंसर जीरो दे देते हैं, हाँ, और बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, जीरो नहीं आएगा, क्या 1/1, ठीक है, फाइनल 1, जीरो नहीं होता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, तो आपको क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे 1। अब आपने साइन की वैल्यू कैसे निकाली, फिर से आपका एक बार रिपीट करा देते हैं। कुछ नहीं किया आपने, 0, 1, 2, 3 और 4 नंबर तक लिखे, इसके बाद 4 नंबर आपका इंड हो रहा था, इसी 4 को आप क्या किया, उठाया, हाँ, और जितने भी आपने नंबर लिखे थे सब में नीचे से क्या किया आपने, 4 से डिवाइड कर दिया। थर्ड स्टेप क्या किया आपने, सभी का क्या किया, रूट ले लिया, हाँ सभी का रूट ले लिया। इसके बाद फाइनल जब आपने इसको सॉल्व किया तो इस साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसके बाद साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2, करेक्ट। साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1। ये बात समझ में आई। इसके बाद ये मेथड आप या तो प्रक्रिया निकालना सीख लीजिए, या तो आप केवल साइन की वैल्यू केवल याद कर लीजिए, साइन की वैल्यू केवल याद कर लीजिए, इसके बाद आपको किसी की वैल्यू याद ही नहीं करनी, साइन की वैल्यू से ही सारे आपके निकल आएंगे मान, एजेंटेड। चलिए आपको अब निकालते हैं, साइन की वैल्यू निकाल आई, अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी बन गया। साइन की वैल्यू आपकी जो 90 से, बस आपका रिवर्स ले लो और 0 तक ले जाओ, आपकी कॉस की वैल्यू निकाल आई, ठीक है। साइन 90 को वैल्यू को बस रिवर्स कर दो, पलटा दो, तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, उल्टा कर दिए, ये हो जाएगा आपका √3/2, समझ पा रहे हैं। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये 0। मैंने क्या कहा, साइन की वैल्यू को बस आप क्या कीजिए, ऐसे पकड़ के इसको ऐसे उल्टा कर दीजिए, ठीक है, आपकी कॉस की वैल्यू निकल आएगी। अब इसके बाद क्या है आपका, 10 की वैल्यू, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इससे वाकिफ हो चुके हैं, क्वेश्चन भी बहुत कर लिए थे कि 10 थीटा आपका क्या होता है, 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, बहुत बढ़िया, अच्छे से जानते हैं ना। तो क्या आप साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू नीचे रख दीजिए, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी,
टेन थीटा की इज इक्वल की वैल्यू सभी के आपके सबके इक्वल ही निकलेगी। हाँ समझ पाए। चलिए तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, साइन अपॉन कॉस। हाँ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, बहुत बढ़िया। तो जीरो अपॉन वन, हाँ जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन वन तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, जीरो किस जीरो में किसी नंबर का आप जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू, ये जीरो। इसके बाद साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस देखो ये हो जाएगी आपको वन अपॉन टू और रूट थ्री अपॉन टू। तो यहाँ से टू से टू खत्म हो गया, तो फाइनल क्या बचा, वन अपॉन रूट थ्री, है ना। आराम से एक भी स्टेप आपकी स्किप नहीं करेंगे, आपको सारा कुछ बताते हुए चलेंगे, वन अपॉन रूट थ्रू रूट थ्री। ठीक है, अब इसके बाद इस 45 पे आइए आप, तो देखिए वन अपॉन टू साइन की वैल्यू क्या है, वन अपॉन रूट टू, और इसकी भी वैल्यू क्या है, एज इट इज सेम, वन अपॉन रूट टू वन अपॉन टू, ये फाइनल कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, जीरो। नहीं, ऐसी गलती मत करना, वन आएगा आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आइए आप, साइन की वैल्यू क्या है आपकी, रूट थ्री बाई टू, कॉस की वैल्यू क्या है, वन बाई टू, टू से टू आपका खत्म, तो क्या बचा आपका, ओनली रूट थ्री। हाँ ओनली रूट थ्री, तो आ जाएगी वैल्यू आपकी रूट थ्री। समझ पा रहे हैं। चलिए इसके बाद हाँ टेन नाइन्टी की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन जीरो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी नंबर में आप जीरो को जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो दोनों ही आपके सही है, पर ज्यादा आपका सही क्या होगा, नॉट डिफाइंड, कहीं कहीं पे आप किसी कई बुकों में आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए समझ पाए बात, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको क्या निकालनी है, आप किसकी वैल्यू, सेक थीटा की। और सेक थीटा होता क्या है, आपने रेसिप्रोकल पढ़ाया था, बहुत ही बेसिक से पढ़ाया था आपको, कि जो आपका कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा होता है इसका रिवर्स। हाँ इसका रिवर्स, बहुत बढ़िया। तो जब आप इसको जब इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से ये बात निकल के आती है, कंक्लूजन ये है कि सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए वन अपॉन नीचे कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, तो सेक थीटा के आपके वैल्यू निकल के आ जाएंगी। समझ पाए, ठीक है। चलिए तो वन आई कॉस थीटा की वैल्यू ये है, इनमें सब में आपको वन अपॉन फिर इसकी वैल्यू रखनी है, तो वन अपॉन वन क्या हो गया, वन अपॉन वन हो गया आपका वन, करेक्ट। इसके बाद देखो वन अपॉन इसको उठाओ ना, कॉस की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं वन अपॉन, तो ये देखिए ये आपका क्या कर जाए, फिल और ओवरलैप कर जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री, करेक्ट। आगे देखिए आपके सेक 45 पहुंचे तो कॉस की वैल्यू क्या आई है आपकी, तो वन अपॉन फिर कॉस की वैल्यू नीचे रख दो, वन अपॉन रूट टू, तो आपको ही पता ये आपको चला जाएगा ऊपर, हाँ ओवरलैप कर जाएगा, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे रूट टू। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, कॉस 60, हाँ चलिए तो सेक 60 की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, अब वन अपॉन फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, तो वन अपॉन टू, आपको ही पता ये आपको ओवरलैप कर जाएगा और ऊपर चला जाएगा, टू आ जाएगा यहाँ पे। अब 90 की वैल्यू बची ना, चलिए तो वन अपॉन जीरो, तो आपको ही पता है किसी नंबर में अगर आप जीरो को डिवाइड करेंगे, किसी नंबर में आप अगर जीरो को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफाइंड, कहीं कहीं पे इनफाइनाइट भी लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए, कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए जैसे आपने साइन की वैल्यू निकाली थी और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू को आपने पलट दिया था तो कॉस की वैल्यू आ गई थी। हाँ एज अ सिमिलरली आपको वही प्रक्रिया फिर से दोहरानी है, जब आपके सेक की वैल्यू को अगर आप पलटा देंगे, हाँ सेक की वैल्यू को ऐसे पलटाइए और ऐसे कर दिए तो आपकी किसकी वैल्यू निकल आएगी, कॉसेक थीटा की, करेक्ट। किसकी वैल्यू निकल आएगी, कॉसेक थीटा की। ठीक है, चलो उठाइए वहां से, क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड और टू रूट टू, हाँ
अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री और टू अपॉन रूट थ्री, और क्या बचा आपका वन। ओके अब आपका क्या बचा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, आप बोलेंगे टेन थीटा को। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, टेन की वैल्यू को पलट दो तो कॉट की वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना। स्मार्ट अप्रोच आपको पढ़ाया जा रहा है तो स्मार्ट वर्क भी कीजिए ना। चलिए तो मैंने क्या कहा, कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा की वैल्यू को आप यू पकड़िए और रिवर्स कर दीजिए, तो वहां से क्या हो जाएगा आपका ये नॉट डिफाइंड, हाँ नॉट डिफाइंड, और रूट थ्री वन, हाँ नॉट डिफाइंड रूट थ्री वन और वन बाई रूट टू, वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री और वन बाई रूट थ्री और जीरो, और जीरो। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपने, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा और आपने सभी की वैल्यू विधिवत तरीके से बिना कुछ प्रॉब्लम के आपने निकाल ली। हाँ तो इसी स्पीड में आपको सब चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे हम, ठीक है। चलिए देख कितने इजी से आपने सब की वैल्यू निकाल लिया, कोई कठिनाई फेस करनी पड़ी नहीं ना। चलिए फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, हमने किया क्या था, ये आपके एंगल रेशियोस थे करेक्ट, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा। इनमें आपको एग्जामिनर बोलेगा कि हमको इस वैल्यू के माध्यम से आप आंसर दीजिए, हाँ तो एग्जामिनर को आपको गुस्सा तो करना नहीं है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए तो क्यों ना आप मेहनत कर लें थोड़ा, ठीक है अच्छे नंबर लाने के लिए। चलिए तो 0, 30, 45, हाँ 60 और 90, इनकी वैल्यू आपको कैसे फाइंड करनी है। कुछ नहीं, सबसे पहले साइन की वैल्यू से स्टार्ट कीजिए, बाकी आप किसी की वैल्यू याद ही नहीं करनी है। हाँ चलिए देखो टेबल को निकालने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है भी और बनते भी हैं। हम आपको इजी से इजी मेथड बताएंगे जिसमें आपको ज़्यादा कुछ हेक्टिक नहीं होना है, हाँ प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं होगी, ठीक है इजी से बताएंगे, बिल्कुल सरल से सरल भाषा में। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया आपने, अभी सारा नीचे का आप भूल जाइए पार्ट, केवल साइन को मेजर कीजिए करेक्ट। सबसे पहले आपने क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4, हाँ इसके बाद 4 नंबर इसका लास्ट हुआ था, तो इसी 4 को हमने उठाया कॉपी किया और सबके नीचे हमने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया। थर्ड स्टेप क्या की, थर्ड स्टेप हमने ये की कि सबका क्या ले लिया रूट, हाँ सबका ले लिया रूट। इसके बाद जब इसको फाइनल सॉल्व किया तो 0 में किसी नंबर का डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी आपकी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू हो गई सॉल्व करने के बाद 1/√2 करेक्ट, इसकी वैल्यू हो गई √3/2 और यहाँ पे 1। फिर हमने क्या किया, साइन की वैल्यू को रिवर्स पलटा दिया, ऐसे उल्टा कर दिया तो कॉस की वैल्यू आपकी निकल आई, क्या है 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसके बाद टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली हमने, टेन थीटा को हम जानते हैं ना कि क्या होता है, टेन थीटा जो आपका होता है, हाँ टेन थीटा, टेन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेक्ट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन की वैल्यू ऊपर कॉस की वैल्यू नीचे, इनको डिवाइड किया तो आपकी टेन की वैल्यू आपकी निकल आए। हाँ 0/1 क्या होगा 0, हाँ इसके बाद ये जब आपने सॉल्व किया 2 से 2 खत्म तो क्या हुआ 1/√3, यहाँ से आपका सारा कुछ फिनिश हो गया, बचा आपका 1, यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3 और यहाँ पे क्या है आपका, तो आप बोलेंगे 1/0। किसी नंबर में आप जब 0 का डिवाइड करेंगे, किसी नंबर में जब आप 0 का डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है आपकी इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट करेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, सेक की वैल्यू निकाल लिए ना, तो सेक आपका क्या होता है, सेक आपका होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा मतलब क्या कहने का हुआ,
वन उसके बाद कॉस की वैल्यू नीचे रखिए, हाँ वन उसके बाद कॉस की वैल्यू नीचे लगी, एंगल सेम आपको रखने हैं वरना उल्टा सीधा हो जाएगा। चलिए वन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या, ये वन अपॉन वन क्या हो जाएगा, वन इसके बाद वन अपॉन ये वन अपॉन रूट थ्री और टू, तो आपको भी पता है टू आपका ओवरलैप ऊपर चला जाएगा, ठीक है नीचे नहीं रह सकता, तो क्या हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री। इसके बाद आपको भी पता है यहाँ पे रूट ऊपर चला जाएगा, बस इसका पलट दिया, ऐसे करो बस इसको पलट दो, इसको भी पलट दो, ठीक है तो टू हो जाएगा, इसको भी पलट दो, क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, हाँ नॉट डिफाइंड, क्योंकि देखिए यहाँ पे वन अपॉन जीरो, हाँ ये आपका क्या था कॉस, हाँ तो यहाँ पे क्या था वन अपॉन जीरो। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बार बार रिपीट करा रहे हैं ताकि आपको कभी क्वेश्चन गलत ना हो। किसी नंबर में अगर जीरो डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया, अभी हम कहाँ तक पहुंचे, सेक की वैल्यू निकाल ली। सेक की वैल्यू को अगर आप रिवर्स उल्टा कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यू निकल आएगी, हाँ जो कि क्या है नॉट डिफाइंड टू रूट टू, टू अपॉन रूट थ्री और वन, करेक्ट। इसके बाद कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, टेन की वैल्यू को पलटा देना है, रिवर्स कर देना है, करेक्ट। तो क्या हो गई नॉट डिफाइंड और रूट थ्री वन, वन बाई रूट थ्री और जीरो। इससे इजी मेथड नहीं है इसको समझने का, ठीक है आप भी समझ पा रहे होंगे, इससे इजी मेथड नहीं है, एक से दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपके जहन में ये बस जाएगा, समझो ठीक है, भूलना चाहेंगे भी तो आप भूल नहीं पाएंगे। चलिए अजिंटे सर, आपने छोटे से सर आए किसी दिन मिलाएंगे इनसे, वो बोल रहे हैं हमको सर सिनेरियो पूरा दिमाग में गुस्सा गया है। चलिए चलिए सर आगे चलिए, हाँ तो ये टेबल आपकी लिखी हुई थी और हमने फिर से आपकी टेबल को यहाँ पे बना दिया, ठीक है ये आपको सिखाया है। और टीचर बोलते हैं क्या, हाई स्कूल में कहीं तो बोलते थे जब आप बोर्ड परीक्षा में थे तब बोलते थे बेटा ये टेबल है और आपको ये याद करके आनी है, नेक्स्ट दिन दूसरे दिन आपको इसी टेबल के बेस में क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है टेबल निकाल कैसे बनती ये बताया नहीं जाता था ज़्यादातर, ठीक है तो आज आपको पता चल चुका है कि इस टेबल को बनाने का मेथड, ठीक है रटना नहीं है स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट कंसेप्ट भी यूज करने हैं। इसके बाद आपकी अब आपकी बारी आती है कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, 0, 30, 45 और 60 और 90, इन सब की वैल्यू आप जब याद कर लेंगे, ठीक है याद करनी पड़ेगी, अगर ये आपको याद नहीं है तो आगे आपके जितने भी क्वेश्चन है इन्हीं वैल्यूज पे आधारित हैं, एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे अगर आप इनकी वैल्यू नहीं याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो ऐसी कठिनाई क्यों दे अपने आप को, ठीक है रटना नहीं है, केवल एक से दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को फिर से आप बैक करके देखिए तो सारे कंसेप्ट की क्लियरिटी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीजीएल के प्री में, हाँ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और याद करो कि अगर आपको 10th में अच्छे पढ़ाई अच्छे टीचर से आप पढ़े होंगे तो ये कंसेप्ट वहाँ पे आपको क्लियरिटी होती है, जनरली आपके बोर्ड में आते नहीं है, ठीक है फिर भी अगर अच्छे से कोई आपको टीचर पढ़ाता है तो वहाँ पे आपको ये अंदर तक कंसेप्ट भी आपको बताता है। चलिए तो हम आपका छोड़ेंगे कुछ नहीं, धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस से पढ़िए, ठीक है 0 से बिल्कुल हीरो लेवल तक आपको बनाना है। चलिए आपके कुछ देखिए आपको क्या, पहले हमने साइन की वैल्यू केवल उठाई, क्या केवल और केवल साइन की वैल्यू उठाई, फिर मैंने बोला हाँ ये आपके एंगल है, आई होप आप सभी क्लियर सीन कर पा रहे होंगे। चलिए यहां से आपके क्वेश्चन कुछ इस टाइप के बने थे, इस टाइप के बने थे कि आप बताइए मुझे यहाँ पे आपको क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बताइए कि आपके कुछ इस टाइप के थे आपके क्वेश्चन कि बताइए साइन साइन 10 डिग्री बड़ा है या साइन 30 डिग्री बड़ा है, ठीक है इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है और देखते हैं एक दो एग्जांपल देते हैं क्लियरिटी अच्छे से होगी। साइन
साइन 15 डिग्री बड़ा है या साइन 21 डिग्री बड़ा है। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, साइन 70 डिग्री बड़ा है या साइन 35 डिग्री बड़ा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीन कर पा रहे होंगे, साइन 10 डिग्री बड़ा है या साइन 30 डिग्री बड़ा है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैंने पूछा साइन 15 डिग्री बड़ा है या साइन 21 डिग्री बड़ा है, दोनों में कंपेयर करके मुझको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, साइन 70 डिग्री बड़ा है या साइन 35 डिग्री बड़ा है। एक आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया था, ठीक है, और आगे आने वाले समय में भी काफी रिपीटेड टाइम का जब बताएंगे तब वो आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन स्टार बना के लिख लेना, करेक्ट। अब यहां पे बताइए कि साइन वन बड़ा है या साइन 30 डिग्री बड़ा है, करेक्ट। यहां पे डिग्री नहीं है, जैसे कि आपने देखा यहां पे कंपेयर किसमें कराया गया है, साइन 10 डिग्री बड़ा है या साइन 30 डिग्री बड़ा है, साइन 15 डिग्री बड़ा है या साइन 21 डिग्री बड़ा है, साइन 70 डिग्री बड़ा है या साइन 35 बड़ा है, ठीक है। पर यहां पे क्या लिखा है, साइन 1 बड़ा है या साइन 30 डिग्री बड़ा है, यहां पे आपको डिग्री नहीं दिया गया है। इसका कंसेप्ट आपको बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इसको बताएंगे, इसको आप स्टार बना के अभी नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इनमें कंपेयर करना आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको बताने वाले हैं, आजीवन किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज जो आपको बताने जा रहे हैं, धैर्य बना के थोड़ी देर के लिए हाँ लुक एट दिस बोर्ड, यहाँ पे आपका माइंड होना चाहिए। जैसे कि देखिए एंगल, हाँ साइन 0, साइन 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। आपने जस्ट पीछे स्लाइड में वैल्यू भी निकाल ली, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, हाँ साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो आपसे हमने क्वेश्चन पूछा कैसे है, हाँ आगे आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन आपके अभी रिपीटेड टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप जब सेट लगाएंगे तो इस टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आगे आने वाले समय में पूछे भी जा सकते हैं ना। चलिए, तो प्रिपेयर आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए कराना है, ठीक है। चलिए अब बताइए, साइन पहला क्वेश्चन देखिए, साइन 10 डिग्री बड़ा है या साइन 30 डिग्री बड़ा है, कंक्लूजन यहां से क्लियर होगा। देखिए ये आपका एंगल है साइन, ठीक। चलिए यहां पे देखिए 0 से 30, 45, 60 और 90, मतलब कि जो आपके एंगल है, हाँ एंगल की वैल्यू 0 से 0 डिग्री से जैसे जैसे बढ़ रही है कहां तक चली गई, यहां पे आपकी 90 डिग्री तक, हाँ एंगल की वैल्यू 0 से 90 तक जैसे बढ़ रही है, हाँ तो कहने का मीन ये हुआ, जैसे देखिए 0, 30, 45, 60, 90, वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ती हुई चली जा रही है, हाँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, मतलब क्या 0 से 1 बन गई, ठीक है 0 से 1 बन गई। आपको क्लास 10th में ग्राफ बताया गया होगा, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, ठीक है, वो बचपन की बात थी, आपको यहाँ पे सिखाएंगे नहीं, उसका आपको कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। उस ग्राफ का आपको जितना कुछ चाहिए आपको सारा मिलेगा। मैंने क्या कहा, 0 से 90 तक आप देखिए जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है, ये आपके क्या है एंगल, हाँ ये आपके हैं एंगल, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है, मतलब कि बढ़ रहा है तो मैं एरो लगा दूंगा ऊपर, ठीक है, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे आपका, हाँ जैसे जैसे एंगल आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ती हुई जा रही है, हाँ मतलब ये कहने का हुआ साइन 10 डिग्री बड़ा है या साइन 30 डिग्री बड़ा है, ठीक है। तो आप अब अच्छे से आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो क्या कहेंगे, साइन 30 डिग्री बड़ा है, जितना डिग्री जितना ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा एंगल का उससे ये बड़ा ही होगा, तो जिस तरह बड़ा होता है इससे ये ग्रेटर देन होता है, ठीक है, इससे ये बड़ा है। तो साइन में आप जब देखेंगे तो साइन के जितनी ज्यादा एंगल की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ अगर थीटा बड़ा तो वैल्यू भी बड़ी। साइन के केस में क्या होगा,
थीटा बड़ा तो इसकी वैल्यू भी बड़ी, लिखा दे कंसेप्ट। चलिए अगर नोट बना के लिख लेना आप, नोट बना के आप लिख लेना क्या, अगर आपका क्लू वर्ड्स लिखा रहे हैं ठीक है, याद रखना थोड़ा। अगर आपका अगर आपका थीटा की वैल्यू बढ़ रही है ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो आपका जो एंगल, हाँ मतलब क्या हुआ कहने का, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आपका एंगल का मान भी बढ़ रहा है ठीक है। चलिए नोट दिखाने की जरूरत ही नहीं है, हाँ क्वेश्चन आपको दिए हैं, क्लियरिटी यहीं से हो जाएगी। चलिए साइन 10 डिग्री बड़ा या साइन 30 डिग्री, तो आपने क्या कहा साइन 30 डिग्री। इसमें भी आप बताइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको देखते ही आंसर दे देना चाहिए कि साइन में जितना ज्यादा एंगल होगा उसकी वैल्यू उससे बड़ी होगी। तो ये 15 बड़ा या 21, तो आप बोलेंगे 21। हाँ इसके बाद साइन 70 डिग्री बड़ा या साइन 35 डिग्री, तो आप बोलेंगे साइन 70 डिग्री, करेक्ट। अब आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए साइन 1 बड़ा है या साइन 30 डिग्री बड़ा है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझने के लिए आपको कुछ बेसिक पता होने चाहिए, ओके कुछ बेसिक आपको पता होने चाहिए। चलिए पाई रेडियन जो आपको होता है, पाई रेडियन मैंने क्या कहा, आपको जो पाई रेडियन होता है इज इक्वल टू 180, करेक्ट। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना कि पाई बराबर 180 डिग्री। समझ पाए इस पॉइंट तक, किसी को कहीं पे दिक्कत आई होप होनी नहीं चाहिए, हाँ दिक्कत होनी नहीं चाहिए फिलहाल, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। चलिए इसके बाद इसको आप करते हैं सॉल्व, हाँ चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए वहां पे आपका क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन यहीं पे लिख लो और वहीं पे आपका इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। लिखा है साइन 1 बड़ा है या साइन 30 डिग्री बड़ा है। इस क्वेश्चन को वहां पे आप नोट डाउन करिए, क्वेश्चन है आपका, आपका क्वेश्चन आंसर पूछना चाह रहा है कि बताइए आप साइन 1 बड़ा है या साइन 30 डिग्री बड़ा है। आपको यहां पे इसका क्या करना है, समझौता करना है, कंप्रोमाइज करना है कि भाई बताइए, कंप्रोमाइज अभी ये कर रहे हैं पर आपको इनको सटीक आंसर देना है कि हाँ आप बड़े हो या ये बड़ा है ठीक है। चलिए पाई रेडियन जो आपको होता है इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहां पे क्या लिखा है, यहाँ पे साइन 1 लिखा है, मतलब क्या ये आपका सी चांद, हाँ आद, हाँ सी छोटा सा सी, तो क्या मतलब होता है रेडियन, रेडियन को सिंबल को ये डिनोट करता है, इसको क्या बोलते हैं आप रेडियन, करेक्ट, क्या बोलेंगे रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर राइट हैंड साइड में क्या, अब इसको प्रूफ कर रहे हैं 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 1 रेडियन की वैल्यू पता चल जाए तो दोनों में आप कंपेयर कर पाएंगे। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई आपका आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे इधर आ जाएगा तो आपका आ जाएगा डिवाइड में। इसके बाद इसको 1 रेडियन एज इट इज रखा रहने दीजिए। पाई की वैल्यू क्या होती है, ये तो आपका एज इट इज रहेगा 180 और पाई की वैल्यू आपकी होती है 22/7। आपको ही पता है 7 आपका ओवरलैप कर जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा आपका ऊपर 180 के पास मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, करेक्ट। अब जब यहाँ से आप इसको कट करेंगे तो ये आपका जाएगा 11 बार में और ये कितने टाइम में जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा 90, ठीक है 90। अब जब फाइनल आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, या एक स्टेप लिख के फिर आपको इसका फाइनल कराते हैं, तो 1 रेडियन आप एज इट इज रखिए क्योंकि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू ही आपको करनी है फाइंड। तो इसको आप इंटू कराइए तो कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा बताइए, देखिए डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है 1 रेडियन की वैल्यू। अभी आपको प्रूफ करके बता रहे हैं कि ये आई कैसे वैल्यू, ये वैल्यू आपकी जो है ना कैसे आई, समझ पा रहे हैं बात मेरी, बहुत बढ़िया। तो इसको आप इंटू कराइए तो क्या हो जाएगा आपका 963:0/11, ठीक है। जब आप इसको कट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा,
हाँ यहाँ से जब आप इसको कट करेंगे तो 5 टाइम में, 7 टाइम में 0.22, करेक्ट, समझ पाए? बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो एक रेडियन की वैल्यू जस्ट बच्चे याद भी रखते हैं, क्या होती है एक रेडियन की जो आपकी वैल्यू होती है, हाँ यहाँ पे लिखा दे नीचे, चलिए एक रेडियन की जो आपकी वैल्यू होती है, आप आज से आपको भी याद रखना है, क्या होता है 57.223 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 22 आपका रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक रेडियन की वैल्यू आपकी क्या होती है, एक रेडियन इज इक्वल टू 57.22, समझ पाए? बहुत बढ़िया। तो अप्रोक्स आपको क्या लेना है यहाँ पे, अप्रोक्स आपको ये लेना है कि एक रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, हाँ 57 डिग्री, क्योंकि आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और आपको जब मैंने एडवांस में पॉइंट लाइंस एंड एंगल जब चैप्टर आप पढ़ा रहे थे तब आपको बताया था कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताया था। फिर से आपको रिपीट करा दे, चलिए फिर से आपको रिपीट करा दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर ले, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको रिपीट करा दे रहे हैं फिर से, हाँ आना चाहिए, भूलना नहीं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व कर ले, चलिए। तो आपने यहाँ पे एक रेडियन की वैल्यू कितनी निकाल ली, अब इस एक रेडियन की वैल्यू आपने फाइंड करी कितनी है, आपने बोला ये हो गया आपको डिग्री में आपने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि साइन 57 डिग्री और ये हो गया आपका साइन 30 डिग्री, तो आप कंपेयर कर सकते हैं ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हाँ साइन में एंगल की वैल्यू बड़ी है तो वो आपकी इससे बड़ी हो जाएगी, करेक्ट, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा आपका, इधर ये, हाँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ही ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं कि क्या, हालांकि हम बता चुके हैं प्रीवियस ईयर क्लास में, हाँ पॉइंट लाइन एंड ज्योमेट्री पार्ट जब पोर्शन पढ़ाया था, ठीक है, ज्योमेट्री, तब उसमें पॉइंट लाइन एंड एंगल कंसेप्ट है, हाँ टॉपिक है, ठीक है, उसमें आपको बताया था, फिर से आपको रिपीट करा दे रहे हैं, ठीक है, किसी को दिक्कत ना हो, फिर से आपको रिपीट करा देना, चलिए पाई पाई रेडियन आपका जो होता है, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अभी आपको डिग्री की वैल्यू बता रहा है, ठीक है, तो एक डिग्री, हाँ एक डिग्री बराबर ये हो जाएगा पाई, और ये आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है, तो इसको इधर लिख दिया 180, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, डिग्री को अगर आपको, हाँ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या मैंने कहा, डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से आपको क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, करेक्ट। इस पे आपको एक क्वेश्चन दे, चलिए इस पे देते हैं हम आपको एक क्वेश्चन, मैंने कहा कि 70 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करके मुझको बताइए। तो देखिए 70 डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक डिग्री बराबर, हाँ एक डिग्री बराबर कितना होता है, पाई अपॉन 180, तो 70 इंटू कितना करा देंगे, पाई अपॉन 180 से आप करा देंगे इसका मल्टीप्लाई, जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 पाई अपॉन 18, ये आपका डिग्री से रेडियन में आपका कन्वर्ट हो गया, समझ पा रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, करेक्ट, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, तो कुछ नहीं जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है, अभी आपने क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, करेक्ट। अब आपको एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, 180 को आप ऊपर लीजिए और पाई को नीचे, करेक्ट, हाँ मैंने क्या कहा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180, ठीक है, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराना है, करेक्ट, समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं अपने कंसेप्ट पे, और आगे एक कंसेप्ट है आपका, अभी क्या आपने ये पढ़ा था, अभी साइन वाले का अपवाद पढ़ा था, ठीक है,
बहुत ही अच्छे अच्छे थे अपवाद इसमें, मतलब क्या कंडीशन, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन थी। ये आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ऐसे ही आपको पूछा जा सकता है कॉस पे, हाँ कॉस पे चलते हैं ना, कॉस पे ये आपका बेसिक था, रिपीट करते रहना। ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हुआ, किसमें, डिग्री में, करेक्ट। चलिए ऐसे ही आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए, हाँ जैसे कि आपको साइन पूछा गया था, जैसे आपसे साइन पूछा गया था ऐसे ही आपको कॉस में भी पूछा गया है, और आगे आने वाले समय में क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ये सारा कुछ पार्ट होता है बेसिक 12th का, सॉरी 11th, हाँ 10th का एडवांस मैथ जो आपको पढ़नी है ना, हाँ ये जो आपकी एसएससी सीजीएल में भी आती है, एडवांस मैथ जितनी भी आती है, ये आपका क्लास 10th तक का ही बेस होता है। इससे क्लास 10th की बुक से 1% आपको ऊपर का नहीं पढ़ना है, बस यहाँ पे आपका थोड़ा एडवांस में आने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन को कम से कम स्टेप में आपको जल्दी करना होता है, तो होता आपका सब क्लास 1 से लेके 10th तक का ही पूरी मैथ होती है इसमें, ये बात समझ पाए। 10th से 1% भी आपको ऊपर नहीं पढ़ना है, करेक्ट। एडवांस मैथ की अगर बात करें हम, चलिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा इसमें कि आप मुझको बताइए कि ये आपका क्या एंगल 0, हाँ 30, 45, 60 और 90। इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे कि कॉस 0 बड़ा है या कॉस 30, हाँ कॉस 45 की, कॉस 60 की, कॉस 90। इसमें भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए मैंने बोला कि साइन, अब सॉरी कॉस की बात हो रही ना, तो कॉस दिया है यहाँ पे, कॉस 1 डिग्री बड़ा है या कॉस, या कॉस 10 डिग्री बड़ा है, करेक्ट। इसके बाद दो एग्जांपल और आपको देना चाहेंगे कि कॉस कॉस 15 डिग्री बड़ा है या कॉस, या कॉस 75 डिग्री बड़ा है, करेक्ट। लास्ट है आपका कॉस कॉस 69 डिग्री बड़ा है या कॉस, या कॉस 30 डिग्री बड़ा है। एक और आपको दे दें कि बताइए मुझे कॉस कॉस 15 डिग्री बड़ा है या कॉस, या कॉस 13 डिग्री बड़ा है, या कॉस 13 डिग्री बड़ा है। अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कहना क्या चाहेंगे बताइए। चलिए अभी आपने साइन का ग्राफ तो देख दिया, उसका कंक्लूजन देख लिया, ऐसे ही आपको कॉस वाले में आ सकता है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से रिमाइंड करिए, यहाँ पे कॉस की वैल्यू जैसे जैसे 0 से 90 हो रही है, क्या एंगल आपका जो है एंगल 0 डिग्री से कितना बड़ा है, यहाँ पे 0 से 90 तक ही फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए एंगल जब 0 से कहाँ पहुंचा, 90, हाँ चलिए रेंज इसकी कहाँ पहुंची, 0 से 90 एंगल, समझ पाए। चलिए जैसे जैसे कॉस में देखो, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे कॉस के वाले में ना, कॉस वाले में जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, देखिए वैसे वैसे जो इसका मान, हाँ इसका जो मान है वैल्यू, वो घट रही है। हाँ थीटा बढ़ा तो वैल्यू कम, साइन में क्या होता था, थीटा बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी, थीटा बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी। इसमें कॉस वाले केस में क्या होता है, थीटा अगर आपका थीटा बड़ा है तो वैल्यू आपकी छोटी होगी। देखिए कैसे आपका कॉस 0 की वैल्यू क्या थी, 1, हाँ 1 से आप जब पहुंचे 90 पर तो देखो क्या बना दिया, 0, मतलब क्या 0, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या वैल्यू हो रही है, घट रही, डिक्रीज हो रही है। साइन वाले केस में क्या था, वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, क्या बढ़ रही थी, एजेंटेड वैल्यू बढ़ रही थी साइन वाले केस में। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कॉस के केस में क्या होता है, जितना बड़ा आपका एंगल होगा 0 से 90 के बीच में ही फॉलो करेगा, साइन एंड कॉस में जो आपको बताया है कंसेप्ट, 0 से 90 के बीच में ही फॉलो करेगा। कॉस वाले केस में ये है कि जितना बड़ा आपका एंगल होगा उतनी वैल्यू आपकी छोटी होगी, साइन के केस में क्या था, जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू, समझ पाए, दोनों में कंपेयर कर सकते हैं ना, ठीक है। जितना बड़ा आपका एंगल होगा उतनी वैल्यू आपकी छोटी हो रही है, जिससे कि 0 से 90 तक देखिए आप, तो 0 से जब 90 तक देखेंगे तो 1 था, फिर वो 3/2 था, 1/√2, 1/2, और अंत में क्या बना दिया उसने, 0, मतलब क्या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जितना बड़ा मान उतनी वैल्यू छोटी होगी,
तो कॉस वाले में क्या होगा, जो आपका एंगल छोटा है उसकी वैल्यू बड़ी होगी, कंपेयर करेंगे इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा कॉस 15 बड़ा है या कॉस 75, तो आप बोलेंगे कॉस 15 डिग्री, करेक्ट। इसमें आपको कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे कॉस 30 डिग्री, किससे, कॉस 69 से। इस वाले में बता दीजिए कॉस 15 डिग्री बड़ा या कॉस 13 डिग्री, तो आप बोलेंगे कॉस 13 डिग्री, बजाई, ठीक है। इस छोटे छोटे कंसेप्ट पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई ध्यान देके चलना है, आगे आने वाले जो आपके क्वेश्चन होंगे इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट से आपको बनते हैं, जो कि आपको छोटे छोटे कंसेप्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं, छोटे छोटे नोट्स आप बनाते जरूर रहिएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ, इतना कुछ पढ़ लिया, वैल्यू भी देख ली, तो एक क्वेश्चन तो बनता है भाई। क्वेश्चन किसने पूछा गया है, देखो इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है, कुछ आपके क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जैसे कि आप देखिए, अभी आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे, यहाँ पे आपको पिछली वाली सीट में साइन थीटा, हाँ साइन थीटा, या थीटा की जगह पे कोई हाँ अल्फाबेट नाम में भी दे दिया जाता था, ए पी सी रेंडमली कुछ, थीटा अल्फा गामा हाँ लेमडा, इस टाइप से। अब आपको थीटा की वैल्यू ही आपको मेजर करा दे रहा है, कितनी दी गई है आपको 30 डिग्री, बात समझ पाए, इसीलिए तो आपको वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन है ना। चलिए, और आपने वैल्यू को, आपने अगर उन डिग्रियों की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो आगे देखिए आप क्वेश्चन कर पाएंगे क्या, होने के चांस ही नहीं है ना। चलिए, तो इसीलिए कह रहे हैं अभी आपका पहला दिन है तो आप चीटिंग कर सकते हैं और पीछे स्लाइड बैक करके आप आंसर दे सकते हैं, पर जब आपकी नेक्स्ट दूसरी क्लास होगी उसमें आपको ऐसा नहीं करना है, वैल्यू पहले से पहले ही याद करके आनी है, और यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन स्लाइड आए हमसे पहले आप आंसर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन पूछा किसमें गया है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में। चलिए, पहला ही क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का है, आपको क्या करना है, साइन 30 पहला क्वेश्चन है, विधिवत तरीके से पहले इसको नोट डाउन करते हैं, कॉपी करिए इसको, क्या आया साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस प्लस आपका 10 30 डिग्री। चलिए, अब आपको इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है। फिर से एक बार, पहला दिन है कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप इसको एक बार लाइट देखते हैं ना। चलिए, ये आपकी लिखी हुई थी ना, चलिए पहला दिन है, चीटिंग करना बनता ही है, ठीक है, हाँ आज के दिन केवल। चलिए, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होगी आपकी √3/2, और 10 30 की वैल्यू है आपकी 1/√3। चलिए, कहाँ गए हो, अपना क्वेश्चन ये है ना। चलिए, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2, करेक्ट, प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है कॉस 30, करेक्ट। चलिए, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी √3/2, √3/2 प्लस 10 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/√3, 1/√3। क्या हमने वैल्यू सही लिखी है, चीटिंग भी कर ली फिर भी पूछ रहे हैं कि सही लिखी है ना, सही लिखी है। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है बताइए, ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कैसे करेंगे, हाँ सबसे पहले देखिए इसमें नीचे डिनोमिनेटर में रूट में आंसर दिया गया है, ठीक है, तो आपको रेशनलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले साइड में देख भी लिया करिए कि आंसर किस फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू ना होती तो आपको वहीं से दिमाग की रिवर्स घंटी बजनी चाहिए कि इसका रेशनलाइजेशन किया गया, मतलब क्या, परिमेयकरण, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसका परिमेयकरण रेशनलाइजेशन किया नहीं गया है, रूट में नीचे वैल्यू है, तो इसका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, जब इसका सभी का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम आपका 2√3, हाँ 2√3, न्यूमरेटर में क्या आएगी वैल्यू आपकी, देखिए
यहाँ पे देखिए, टू है पर रूट थ्री नहीं है, तो रूट थ्री ऊपर हो जाएगा। हाँ प्लस टू है पर रूट थ्री नहीं है, ठीक है, तो रूट थ्री लिख देते हैं एक बार, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, करेक्ट। और प्लस यहाँ पे रूट थ्री है पर टू नहीं है, तो हो जाएगा आपका टू। आगे जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो देखिए, रूट थ्री और रूट थ्री आधा आधा कितना हो जाएगा, एक, कितना बन जाएगा तीन, करेक्ट, कितना बन जाएगा तीन, बहुत बेहतरीन। तो ये हो जाएगा आपका तीन, तीन प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव, फाइव रूट थ्री, फाइव रूट थ्री अपॉन अपॉन हो जाएगा आपका टू रूट थ्री, टू रूट थ्री। पर देखिए क्या हमने सही लिखा है, रॉन्ग, क्योंकि आपने प्लस नहीं लिखाया है, ठीक है, इसलिए हो गया ये रॉन्ग। तो यहाँ पे होना चाहिए फाइव प्लस रूट थ्री, फाइव प्लस रूट थ्री डिनोमेटर में आ जाएगा आपका टू रूट थ्री। अगर यहाँ पे नीचे क्या रूट में वैल्यू ना होती तो फिर क्या करते, इसका रेशनलाइजेशन करते, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चन आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी कि परिमेयकरण जो है ना, परिमेयकरण सब रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जिनको नहीं आता है आगे आने वाली क्लास में आप बिल्कुल बेसिक विधिवत तरीके से सीख पाएंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री, कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका, आंसर नंबर मैच कर रहा है। देखो माइनस तो है नहीं ना, तो माइनस वाले पहले ही आप रॉन्ग कर दो, एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, बहुत ईजी आपका, कुछ आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, बस बचे हुए में आपको थोड़ा सा नजर मारनी पड़ती है, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी अगर मेंटेन है बढ़िया, हाँ एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप आंसर चूज कर पाएंगे सटीक, वो भी करेक्ट। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए टू नहीं है यहाँ पे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री, ये आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो आपको कल नेक्स्ट क्लास लेने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको ये बेसिक चीजें आपको फिर से रिकॉल करनी है। हाँ इसके बाद सबसे पहला मेन मुद्दा क्या है कि इस स्लाइड को आपको याद करना है, वो कैसे भी करें आपके, आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। अगर आपको एक की भी वैल्यू अगर नहीं याद है तो आगे आने वाले जो आपके क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इन्हीं वैल्यू पर ही आधारित है, तो आप समझ पा रहे हैं ना, जब क्लू वर्ड इनसे ही खुलेगा, तो अब आपको की का लॉक ही नहीं पता है, पासवर्ड ही नहीं पता है, तो आप बताइए बॉक्स या डब्बा कैसे खोल पाएंगे, बताइए। हाँ अंदर रखा सामान रखा का रखा ही रह जाएगा, ठीक है, आप उसका लाभ ही नहीं उठा पाएंगे, तो ऐसी गलती ना होने दीजिए, ठीक है। आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, करेक्ट। आई होप बहुत मजा आई होगी क्वेश्चन करने में, और आगे इसी रफ्तार में अपने क्वेश्चन करने हैं। हाँ देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको जो कि प्रोवाइड करा दी गई है अपने एडी स्मार्ट इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ पर जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तब एडवांस मैथ की पूरी सीरीज मिल जाएगी, जितनी भी पहले की रिकॉर्डेड क्लास हैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो आपको सभी क्लासेस को देखना है और शेयर लिस्ट में क्लास को जरूर ऐड करना है, कमेंट बॉक्स में अपना हाँ एक्सपीरियंस, हाँ जो भी आप समझ पाए अच्छा गलत, ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक हो या आपको अच्छा लगा तो उसका आप जरूर हाँ फीडबैक देना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, शेयरिंग लिस्ट में जरूर ऐड करिए, और हाँ जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी हाँ इस प्लेटफॉर्म में जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। और जो बच्चा कल्याणपुर के आसपास कहीं रहता हो, ठीक है, ऑफलाइन बच्चा अगर आना चाहे, ऑफलाइन के लिए इच्छुक हो, तो आप कल्याणपुर क्रॉसिंग के पास आइए, इसी एडी स्मार्ट नाम से अपनी संस्थान है, वहाँ पे आप आके हाँ ऑफलाइन क्लासेस में इंडिविजुअल भी चलते हैं और कम पूरा बैच भी चलता है, ठीक है। तो आप एक बार अगर यहाँ आसपास रहते हो तो यहाँ पे आके आप एक बार इंटरेस्टेड हो तो ऑफलाइन का भी लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को फिर से रिपीट जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखने से पहले फिर से मैं आपको कहता रहूँ, नेक्स्ट क्लास देखने से पहले आपको सभी एंगल्स की वैल्यू जरूर याद करके आनी है, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन आपके वैल्यू पर ही आधारित हैं, ठीक है। कंसेप्ट भी नाम दिया गया है वैल्यूज पर, ठीक है, आपकी सीट सेकेंड है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।